गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पिछले 9 डेज में हम लोग सिर्फ 5 मिनट डेली देकर 45 न्यू वर्ड्स ऑफ साइंस सीख चुके हैं। आज फिर हम लोग 5 मिनट अपना समय देंगे और आज 5 नए वर्ड्स साइंस का देखेंगे और उनका एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा 5 वर्ड्स है। ठीक है, हमारा आज का बच्चों जो पहला वर्ड है, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है हमारा लाइट। क्या है बच्चों? लाइट। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठेगा बच्चों कि लाइट क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा हम लोग को क्या जानने लायक है कि लाइट जो एनर्जी का फॉर्म है, ये वेव के रूप में भी प्रोपगेट करता है, और जब ये वेव के रूप में प्रोपगेट करेगा तो उस समय हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इसका वेवलेंथ। क्या? वेवलेंथ। और साथ ही साथ ये पार्टिकल नेचर भी बच्चों शो करता है। जब ये पार्टिकल नेचर शो करेगा तो लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन। फोटोन के बारे में पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों क्रोमेटिक लाइट। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको जानना है, क्रोमेटिक। अब क्रोमेटिक वर्ड जब बच्चों हम लोग देखेंगे तो ये बना हुआ है क्रोमा से। किस चीज से बना है? क्रोमा से। और क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, अब जब हम लाइट की बात करते हैं ना बच्चों, तो लाइट कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब उसी लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं? पास कराते हैं। प्रिज्म के थ्रू उस लाइट को हम लोग ये कराते हैं, देख रहे हो, प्रिज्म के थ्रू इसी लाइट को जब हम लोग गुजारते हैं, पास कराते हैं, तो ये डिफरेंट लाइट में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हिंदी में जिसको हम लोग बैनिया पिनाला बोलते हैं और इंग्लिश में विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसी में से अगर हम लाइट को कंसीडर करें, कलरफुल लाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमेटिक लाइट। जैसे हम लोग कंसीडर करें वायलेट, तो ये क्या होगा? क्रोमेटिक लाइट। येलो, तो ये क्या होगा? क्रोमेटिक लाइट। अब ये जो हमारे पास जो 7 कलर है, इनमें से सिर्फ एक ही कलर को हम लोग कंसीडर करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब वो लाइट है लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कलर का लाइट है। आप लोग फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल बनाओगे या फर्दर क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां आपको सुनने को मिलेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ आप लोग इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ कि ए का मतलब क्या होता है? नॉट, नहीं। तो वैसा लाइट जिसमें कोई कलर ना हो, रंगहीन प्रकाश या अवर्णी प्रकाश, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोमेटिक लाइट। क्योंकि ए मीन्स नॉट और क्रोमा मीन्स कलर। ठीक है, तो जो सनलाइट हम लोग के पास आ रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्रोमेटिक लाइट। फिर उसको फर्दर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो डिफरेंट 7 लाइट से बना हुआ है कलर, तो वो कलर हम लोग को स्पेक्ट्रम में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड अपना देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है बच्चों, वो समझो। देखो, लाइट को जब हम कंसीडर कर रहे हैं एनर्जी का, तो हम लोग को क्या, लाइट में कुछ स्पीड है, वो स्पीड कितना है बच्चों? जो स्पीड होगा उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है अप्रोक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस हिसाब से हम लोग आकलन करें तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में टोटल समय लगता है बच्चों 8 मिनट 18 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आइए इसको थोड़ा हम लोग और विस्तार से देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लाइट ईयर की बात करेंगे ना बच्चों, तो देखिए अर्थ टू मून में 1.3 लाइट सेकेंड लगता है। मतलब 1.3 लाइट सेकेंड में क्या होता है? पृथ्वी से चंद्रमा पर प्रकाश आ जाता है। ठीक है बच्चों, या फिर बोलो तो जो सनलाइट है, चंद्रमा का प्रकाश है, वो पृथ्वी पे आ जाता है। मतलब कहने का मेरा यही है बच्चों कि अगर हम बात करें लाइट के ट्रेवलिंग का और उसको लाइट ईयर में बात करें तो कितना लगेगा? 1.3 सेकेंड लगेगा अगर कोई प्रकाश अर्थ से मून पे आ रहा है या मून से अर्थ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये अर्थ से 8 लाइट मिनट दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट है, मैंने आपको बताया 8 मिनट 18 सेकेंड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है लाइट वेट। इसका मतलब समझिए क्या होता है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का क्यों होता है इसका मतलब, वही हम लोग समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कहीं भी वेट का, तो वेट का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या होता है बच्चों? W इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg। जब हम लाइट की वेट की बात करते हैं तो लाइट तो मैटर है ही नहीं, वो तो एनर्जी है ना, तो उसमें मास नहीं ना होगा, तो इसलिए लाइट क्या होगा? मतलब वो हल्का है, उसमें मास है ही नहीं,
इसलिए हम लोग आम बोलचाल में कोई भी चीज जो बहुत हल्का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वेट या हल्का फुल्का बोलते हैं। ठीक है बच्चों, होप आज आप लोग सीखे होंगे। और आज हम लोग का टोटल 50 वर्ड हो गया साइंस का, मतलब डेली हम लोग 5-5 मिनट देके हमारे पास अब 50 वर्ड साइंस का स्टॉक हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नए 5 वर्ड देखेंगे और इस तरह लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत ज्यादा साइंस के वर्ड का स्टॉक हो जाएगा और निश्चित रूप से साइंस का नॉलेज आपका बढ़ेगा।